lectures we are having unit. So in unit 1, two portions are there. One is poem and one is chapter. Poem we have done in last two lectures, and we have started this unit 1 story, Three Little Pigs. In the last lecture, I have explained you this story through mind map. Now today we are going to start this lecture, line to line explanation. So students, please listen carefully, because after this video I will ask some questions to you. So please listen carefully. Okay, let's start. Unit 1, Three Little Pigs. Three Little Pigs. Once there were three little pigs, Sonu, Monu and Gonu. As I told you, there were three little pigs and whose name is Sonu, Monu and Gonu. तीन छोटे छोटे पिग्स थे और उसका नाम पता है क्या था? सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू जो है वो कैसे घर में रहता था? जो घर स्ट्रॉ से बना हुआ था. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. जो उसका हाउस था वो किससे बनाया था? Straw. Straw means dry plants or dry grains. सूखे हुए पत्तियां और सूखे हुए plants होते हैं ना, उसको हम straw कहते हैं. वो पीने वाले straw की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप juice के लिए आप पीते हो ना, that straw I'm not talking about. Okay. Monu lived in a house of stick. Stick means a wooden stick. आपने देखी है लकड़ी? Yes, that is called stick. So, Monu was living in a house of stick. Monu जो है वो कैसे घर में रहता था? जो घर stick से बनाया हुआ है. जो stick से बनाया हुआ है. Now, third little pig. Gonu lived in a house of bricks. Bricks. जो हम लोग जो रहते हैं ना, जो घर में, वो किससे बनाया हुआ है? ब्रिक्स से. ब्रिक्स मींस अ सॉलिड शेप, अ सॉलिड आई कैन से ईंट. मैं आपको ये बोलती हूँ, ये ईंट, ईंट से बनाया हुआ घर है. किसका? गोनू का. गोनू का घर किससे बनाया हुआ है? ईंट से. वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस. अ बिग वुल्फ केम टू सोनूज हाउस. एक बिग वुल्फ था ना, बैड वुल्फ, वो सोनू के घर पे आया. एंड ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस. हफ एंड पफ मीन्स मैं जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर जो है वो उड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. So he huffed and puffed. उसने जोरों से फूंक मारी और सोनू का घर डिस्ट्रॉय हो गया. क्यों पता है? क्योंकि उसका घर स्ट्रॉ से बनाया हुआ है. अगर कोई भी घर जो है वो लाइट चीजों से हम बनाते हैं तो जोरों से हवा चलती है तो वो टूट जाती है. So सोनू का जो घर था वो डिस्ट्रॉय हो गया. क्यों पता है ना? क्योंकि वो बैड वुल्फ ने जोरों से फूंक मारी एंड ही ब्लू हिज हाउस. देन ही वाज क्राइंग एंड ही वेंट टू मोनूज हाउस. वो दौड़ दौड़ के मोनू के घर पे गया. क्यों पता है? उसको पता नहीं कि बैड वुल्फ आ रहा है. सोनू रेन टू मोनूज हाउस. द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल blow your house. Again that bad wolf said, Monu, I will huff and I will puff and I will blow your house. मैं जोरों से फूंक मारूंगा और आपका जो घर है वो उड़ जाएगा. And he huffed and puffed and blows Monu's house also.
also. क्यों पता है? Yes, because Monu's house is made up of sticks. आप कोई भी लकड़ी होती है तो लकड़ी पे जोरों से हवा चलती है तो वो टूट जाती है या वो गिर जाता है. So Monu का हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया. फिर मोनो और सोनू जो है वो कहाँ पे गए पता है? किसके घर पे गए? सोचो सोचो. Yes, the third pig. Who is that pig? Gonu. Yes, yes. वो दोनों भागते भागते किसके घर पे गए? Gonu के घर पे. And Sonu and Monu ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. Again that big bad wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. उसने और गुस्से में बोला कि Gonu, अब जो है वो मैं तुम्हारा भी हाउस उड़ा डालूंगा. मैं जोर से फूंक मार के तुम्हारा घर भी उड़ा डालूंगा. So he huffed and puffed. But what happened, do you know? He could not blow Gonu's house. वो Gonu का जो हाउस है वो उड़ा नहीं सका. वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया. क्यों पता है? सोचो. Yes, very good. Because Gonu's house is made up of bricks. Gonu का जो हाउस है वो किससे बनाया था? ब्रिक्स से. किससे बनाया था? ब्रिक्स से. अगर हमारे घर में जोरों से बाहर हवा चल रही है, आंधी या तूफान आया है, तो हमारा घर गिरेगा नहीं. क्यों? क्योंकि हमारा घर जो है वो किससे बनाया हुआ है? ब्रिक्स से. अगर हमारा घर स्ट्रॉ से या स्टिक से, लकड़ियों से बनाया हुआ होता तो वो गिर जाता. सो कहीं कहीं पे अभी भी किसी किसी का घर जो है वो जो पुअर होते हैं तो उनके पास जो है वो मनी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं पता है? वो जो है अपना हाउस जो है वो स्ट्रॉ से या तो स्टिक से बनाते हैं. और जब भी कोई ऐसा आंधी या तूफान आता है तो वो उसका घर डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो यहाँ पे हमने जो स्टोरी पढ़ी उसमें अभी तक में क्या आया कि बिग बैड वुल्फ ने जोरों से फूंक मार के सोनू का घर गिरा दिया, मोनू का घर गिरा दिया. देन ही केम टू Gonu's हाउस एंड अगेन ही हफ्ड एंड पफ्ड, बट ही कुड नॉट ब्लो Gonu's हाउस. Gonu का हाउस वो गिरा नहीं पाया. क्यों? क्योंकि वो ब्रिक्स से बनाया हुआ है. किससे बनाया हुआ है? ब्रिक्स से. एंड इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड देन व्हाट हैपेंड? दैट बिग बैड वुल्फ इज वेरी टायर्ड. बिग बैड वुल्फ जो है वो बहुत थक गया. एंड ही वेंट आउट फ्रॉम देयर. उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो Gonu का हाउस नहीं गिरा पाया. फिर वो थक गया और वो चला गया वहां से. Then the wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. फिर पता है तीनों wolf जो है वो एक साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगे. क्यों? क्योंकि वो घर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. स्ट्रॉन्ग मीन्स नॉट इजी टू ब्रेक. नॉट इजी टू ब्रेक मीन्स कि हम उसे तोड़ नहीं सकते. ओके, सो तीनों जो फ्रेंड्स थे वो एक ही साथ में एक ही घर में रहने लगे हैप्पीली. ओके, सो इन दिस स्टोरी व्हाट वी हैव लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड अबाउट थ्री लिटल पिग्स एंड हिज हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ. हुज? Sonu's. Sonu's house is made up of straw. Monu's house is made up of sticks. And Gonu's house is made up of bricks.
his houses, both the houses. And then he went to Gonu's house, but he did not blew his house. Why? Because Gonu's house is made up of bricks. So, have you understood this story? Yes, very good. Now, see, I have drawn a small, again a mind map to revise it again. See, there were three pigs. Yes, Sonu, Monu and Gonu. Sonu's house is made up of straw. Monu's house is made up of sticks. Gonu's house is made up of bricks. Now, a big bad wolf came and he huffed and puffed and blew Sonu and Monu's house. Usne dono ka ghar jo hai destroy kar diya. Usne kya kiya? Dono ka ghar destroy kar diya. But again he went to Gonu's house. A big bad wolf came and he huffed and puffed, but he could not blow the Gonu's house. Lekin wo Gonu ka house nahi uda paya. Okay, so this is a story about three friends. So have you understood? So listen carefully. I will ask some question related to this video. So till next video, goodbye everyone. Stay home, stay safe. Bye bye. Abhar.